गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग को सबसे पहले हैप्पी दिवाली। एंड आज मैं जा रही हूँ काली पूजा का ब्लॉग बनाने। तो आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस आप लोगों को बता दीजिए। जैसे दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है, ये काली पूजा भी बहुत अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। कौन कौन से प्लेस पर आपको बताती हूँ ब्लॉग पर एंड तक देखना। तो ये है कासीडी का काली मंदिर के पास का रोड, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया। और यहाँ है काली माँ की मंदिर, जो हर साल की तरह इस साल भी बहुत सुंदर से सजाई गई है। फिर यहाँ से हम लोग निकलने के बाद पहुँच गए हैं टेल को। तो यहाँ की मूर्ति सबसे ज़्यादा फेमस है, जो कि 22 फुट की काली माँ को बनाया जाता है। और ये प्रतिमा यहीं पर बनाया जाता है और इसका आज है उद्घाटन। ऐसा मुझे भी बनना है। ये इतने बड़े ब्लॉगर, ओह माय गॉड। तो अंकल कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन आया हुआ है। के लिए आतुर है, व्याकुल है। तो हम धन्यवाद देते हैं हमारे स्वर्गीय रतन टाटा जी जैसे लीडरशिप, दूरदर्शी लीडरशिप को, ऐसे नेतृत्वकर्ता को जिनकी दूरदर्शी सोच ने टाटा मोटर्स को पूरे विश्व में फैलने का अवसर दिया। तो यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं मोमोज खाने के लिए। गाइस देखो कितना टेस्टी मोमोज, और इसमें से पूरा धुआं निकल रहा है। ग्रेवी मोमो कहते हैं, और अंकित बोले यहाँ का मोमो बहुत टेस्टी है। देखिए देखिए, ध्यान से देखिए। तो ये देखिए, तो ये है पनीर मोमो, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है यार पनीर मोमो। अंकित को देखिए लुटने आया। कैसे लग रहा मोमो? तो गाइस देखो यहाँ पे चिकन के पीछे सब पड़ा हुआ है, चिकन खा रहे हैं। तो इतना टेस्टी मोमोज खाने के बाद तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत मजा आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो देखो ये पूरा प्लेट को पूरा चाट के अंकित खा लिया है, मजा आ गया। और खा भी रहे कैसे, देखो ये भी नहीं छोड़ रहे। ये ग्रेवी अच्छा लग रहा है, मतलब इतना टेस्टी मोमो है। और ये स्टॉल में बनाता मोमो बहुत ही सुंदर, बहुत ही टेस्टी मोमोस। तो ये है गोलमोरी का पंडाल। तो यहाँ पे अभी मूर्ति उर्ति कुछ नहीं आया हुआ है, ये यहाँ पे कल उद्घाटन होने वाला है। देख लो यहाँ पे मूर्ति अभी नहीं आया हुआ है गाइस। तो ये देखो पूरा फटाके की वजह से पूरा धुंधला धुंधला हमारा शहर हो चुका है, और इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन। तो लोग दिवाली की शॉपिंग पूरे लास्ट मोमेंट तक कर रहे हैं जोरों शोरों से। और यहाँ पे देख सकते हो पटाखे की एक अलग स्टॉल लगाई गई है, वो भी आम बागान में, पूरे लाइन से लगी हुई है, बहुत पूरा मैदान भर चुका है। और ये है जागृति मैदान का काली पूजा पंडाल, तो यहाँ पे इस साल से बनाया जा रहा है। तो जो लोग आदित्यपुर में रहते वहाँ ज़रूर आए। और 1 नवम्बर को होने वाला है यहाँ पर महाआरती।